हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आप सभी का सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो जो है 2020 BHU MED का क्वेश्चन पेपर है, जो हमने अभी तक देखा, चार पार्ट में हमने देखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो। तो आज हम इसका, आई थिंक ये लास्ट ही होगा क्योंकि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसे ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कह दूँ कि आप लोगों का 30 को एग्ज़ाम है, और जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे सारे नोटिफिकेशन दे भी रखे हैं, टाइम टेबल कब है वो सब मैंने दे रखा है आपको, PDF आप देख सकते हो वहाँ से। और कुछ मटेरियल्स भी हमने डाल दिए हैं टेलीग्राम पर, वो भी आप देख सकते हो। और मैं कहूँगी कि अगर आप क्वेश्चन को एनालिसिस अब करना है, स्टार्ट कर दे एनालिसिस, सॉरी अब तो एनालिसिस का काम गया, अभी तक तो आपने एनालिसिस करके पढ़ा, लेकिन अब क्या करें, आप एटलीस्ट एक वन डे टू क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि एक बार में देखने से सारे क्वेश्चन माइंड में सेट नहीं होते। हाँ, हालांकि मैंने पहले कहा था एनालिसिस करके पढ़ो, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस है ना पूरी, उसको आपको कवर करने के, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा पूरी तरह से। मतलब जहाँ तहाँ रेंडमली आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको वहाँ से जाके उठा के आप पढ़ सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको अगर टाइम मिले तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको अब क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और ध्यान में रखना है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है और ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है, यानी बोलते हैं ना बहुत टेढ़ा क्वेश्चन पूछ रहा है उल्टा पुल्टा करके, तो ऐसे आते हैं। तो अभी तक आपने देखा भी नहीं है ना क्वेश्चन, तो आप तो डेफिनेटली देखना स्टार्ट ही कर दो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आप जितना बैक देखोगे, 10-12 साल 15 साल का जितना देखोगे, उससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे 2007 के क्वेश्चन ना 2010 का क्वेश्चन आकर के 2019 में पूछा है एज इट इज क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो हमेशा तो क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज्ड वे में प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं रिपीट कर दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नए लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो 50% तो 55% तो क्वेश्चन आपके यूं ही बन जाते हैं। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा अभी तक क्वेश्चन तो देखें। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई भी किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो तो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या है? तो ये आपको पता होगा ही कि ये जो है वाइगोट्स्की ने दिया था, सोशल कल्चरल थियरी है जो उनका, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, फेज एट विच लर्नर कैन मास्टर अ टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। मुदालियर कमीशन इज रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और कहीं आपको ये पूछा गया था कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया था, या सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन थे, या सेकेंडरी एजुकेशन आयोग को क्या कहा जाता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा, अब आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, हायर एजुकेशन के लिए जो राधा कृष्ण कमीशन, तो वो भी उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म हाइकिंग इज रिलेटेड टू विच टेक्निक? हिच हाइकिंग, ठीक है। हिच हाइकिंग शब्द किस तकनीकी से संबंधित है? तो ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग से, ठीक है। तो सेमिनार, डिबेट, पीयर ट्यूटोरिंग, ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, सेमिनार भी आ जाते हैं। पिछले पेपर में आपने देखा होगा तो वहाँ पे सेमिनार पूछा गया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी इस बार पूछ दिया गया है, और डिबेट तो नहीं पूछे अभी तक के क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक पता है पीयर ट्यूटोरिंग आपसे पूछ सकता है। स्वामी विवेकानंद के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो नव्य वेदांता। अभी तक आपने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन को भी पूछा गया था, फिर अरविंदो के बारे में पूछा गया था इसी क्वेश्चन पेपर में, दूसरे वीडियो में आप पार्ट में देखोगे तो। फिर उसके बाद गांधी जी के बेसिक एजुकेशन के बारे में पूछा था, तो कहीं ना कहीं सारे थिंकर्स और इंडियन फिलोसफर को पूछ रहा है, तो आप एक बार इसे गो थ्रू कर ले जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले, ठीक है। चलिए, महाबोध किसे कहा जाता है? महाबोधि नहीं कहते,
महाबोध दर्शन नहीं, आई थिंक विश्वबोध, सॉरी विश्वबोध दर्शन किसे कहा जाता है, तो पूछा गया था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का होता है। चलिए, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू फिल इन दिस ब्लैंक। आई डोंट एस्पायर फॉर हाई पोस्ट। देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ना, यहाँ तक आपका क्वेश्चन 104 तक जो था कंपलसरी क्वेश्चन था, सबके लिए था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो ऑप्शनल क्वेश्चन है। सेक्शन यहाँ पे 2 लिखा हुआ भी है और ये इंग्लिश है। अगर आप सेक्शन इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो ई हो सेक्शन मतलब सेकेंड होगा, और अगर आप सेक्शन बी सॉरी सेक्शन 2 में हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपको हिंदी देना पड़ेगा। आप ये ध्यान जरूर रखें, ठीक है। आपको वैसे भी होगा भी, तो मैं एक बार बस याद दिला देती हूँ कि 16 क्वेश्चन, जैसे 104 क्वेश्चन, देखिए 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं हिंदी पेपर, एंड 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं हिंदी या इंग्लिश। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको हिंदी अगर आपने करा है तो हिंदी जाके ऑप्शन करे और पार्ट और पोर्शन करे, या इंग्लिश करा है तो इंग्लिश का पोर्शन करे, ठीक है। तो इसमें से 2 आपको करना है, इसमें से 104 क्वेश्चन एजुकेशन के, तो 16 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग एन एरर। तो इसमें दिया है क्या होगा इसका आंसर, फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ HARE। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैविंग एन एरर, तो इसका नॉट हियरिंग द रेडियो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सींग इज बिलीविंग, हेयर सींग इज अ जेरंड। आपको ग्रामर ग्रामर अगर आपका इंग्लिश है तो ग्रामर जो भी प्रपोजिशन वगैरह जो होते हैं वो आपको थोड़ा देखने पड़ेंगे। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन ऑफ टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी कंप्लीटेड विथ मी फॉर द पोस्ट। देखिए यहाँ पे प्रपोजिशन की बात आ गई, मैंने जो कहा था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट द डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल इज कॉल्ड गैरिट्रिसियन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, ओके तो आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, सॉरी। सी स्पीक्स इंग्लिश वेल, हेयर वेल इज अ एडवर्ब। बहुत इंग्लिश हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बस आपको प्रोपोजिशन देखने हैं। इफ आई अवेलेबल माई सेल्फ ऑफ हिज हेल्प, आई अवेलेबल माई सेल्फ हिज हेल्प। देखिए यहाँ पे कंप्रिहेंसन है, आपको इसको कंप्रिहेंसन को करके आंसर देने हैं। तो आपको कंप्रिहेंसन का करने का कुछ एक तरीका बता दूँ आपको। कंप्रिहेंसन में करने से पहले आप ये करें, कंप्रिहेंसन को पढ़ने से पहले जो पैसेज दिए हुए हैं उसको पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को देख लें, और क्वेश्चन के बाद आप उसको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ें, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन आता जाता है वहाँ पर मार्क करते जाएँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँ, ठीक है। तो ऐसे आपके कंप्रिहेंसन होंगे, जैसे 4-5 क्वेश्चन होंगे, नो बडी चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू इसका आंसर होगा ओल्ड पीपल। अब कंप्रिहेंसन कौन पढ़ने जाए मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, आप अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना आंसर ये सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस यहाँ तक आई थिंक ये कंप्लीट होता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग एन एरर। अब इसमें किस में देखना है, किस में एरर है। इंडिया हैज ओन ओन इंडिया हैज ओन द क्रिकेट मैच प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट कानपुर, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कहाँ पे गलती है, इंडिया हैज ओन, तो इसमें जो है हैविंग एन एरर है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैविंग एन एरर, यहाँ पे राम हु इज अ डॉक्टर ऑफन, यहाँ पे ये आंसर होगा। फ्रॉम द ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज बेंट ऑन गोइंग, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी आता है, जिसका ऑप्शन हिंदी होगा वो वहाँ यहाँ पे हिंदी देगा, ठीक है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतघ्न, आपको पता है ही ये, ठीक है। तो आप विलोम जो विलोमार्थक शब्द बोलते हैं जिसको, विलोम का वो आप देख सकते हैं, विलोम शब्द। फारसी किस वर्ग की भाषा है, तो सतम, ठीक है। फारसी किस वर्ग की भाषा है, तो सतम वर्ग की भाषा है, यहाँ पे आप ध्यान रखें।
शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? आगे की। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? आगे की। ये आप हिंदी वाले ना 2000 अगर आपके पास जो जिन बच्चों ने लिया है 2009 से लेकर 2020 तक आप हिंदी देखते हो ना, तो आपके 8 क्वेश्चन तो हिंदी के सॉल्व हो ही जाते हैं। 8, 9, 10 क्वेश्चन ऐसे वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो आगे की। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, पहले एनालिसिस, अगर अभी भी आप मैनेज कर पा रहे हो टाइम को, तो ये क्या करो, दिनकर के से रिलेटेड कुछ देख लो, पंत से रिलेटेड कुछ देख लो, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड कुछ देख लो। तो ऐसा होता है ना कि कभी नेक्स्ट टाइम जयशंकर प्रसाद का पूछ देगा, दिनकर का पूछ देगा, पंत का पूछ देगा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, और वैसे किया भी है। कौन सा शब्द उत्थान का विलोमार्थक है? तो उत्थान का होता है पतन। निम्नलिखित में से देखिए, विलोम शब्द से दो आ गए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आशीर्वाद, ये आप देखोगे ना जाकर। आई थिंक कि 2009 में कुछ क्वेश्चन है, 2009 में या किसी में भी तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2020 में उठा के रखा है नीलकंठ, और ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। चंद्रगुप्त नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद। देखिए आपने, मैंने बोला था ना कि आप देख लो, मोहन राकेश का भी देख लो, लक्ष्मी नारायण का भी देख लो, भारतेंदु का भी देख लो। आखेड़ किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। तद्भव थोड़ा सा देख लो अगर कन्फ्यूजन हो तो। राजभाषा हिंदी के विकास का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 351 के, ये तो आपको पता है। निम्नलिखित में से किसकी रचना फणीश्वरनाथ रेणु ने की है? तो मैलांजलि, तो आपको होगा ही। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, झूठा सच देख लेना है किसकी है, गोदान भी देख लेना है, प्रेमचंद ये तो पता है, बलचनामा भी देख लेना है किसका है। और झूठा सच मुझे याद था 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप वहाँ पे पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको पता चला होगा। यहाँ पे क्या है, मोटापा किस प्रकार की शब्द है? तो भाववाचक। मोटापा, बुढ़ापा, ये सारे क्या होते हैं? भाववाचक। अब यहाँ पे आपको कहना जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, थोड़ा सा आप देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास का देहावसान कहाँ हुआ था? तो काशी में। ठीक है, नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय, ये थोड़ा आप समास भी देख सकते हो। पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। ठीक है, सूरदास की आप देख सकते हो, किसका है, किसे बोला जाता है, किसका जहाज आई थिंक कुछ बोला जाता है, तो वो सूरदास को बोला जाता है, वो आप देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ईयर में। ठीक है, और केशवदास के भी आते हैं, विद्यापति के भी आते हैं क्वेश्चन। अनमोल में कौन सा उपसर्ग है? तो अन उपसर्ग है। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? अनल शब्द है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है 2020 का। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी अपना क्वेरी शेयर कर सकते हैं। बहुत लोगों ने स्टैटिस्टिक की बात करी है, तो मैं बहुत जल्द ही स्टैटिस्टिक से रिलेटेड कुछ मटेरियल अपलोड करूँगी, हो सके तो अगर आज मुझे टाइम मिलता है तो आज ही मैं करूँगी। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके टाइम निकालती हूँ, मतलब थोड़ा सा काम करके जल्दी जल्दी ख़त्म करके पूरे दिन लास्ट में करती हूँ, थोड़ा आपसे आपके लिए आपको भी हेल्प कर दूँ। ठीक है, तो अगर आपको लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके, तो चलो, और आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा मुझे मतलब जब जैसे ही टाइम मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं उन्हें सपोर्ट करने में ना अच्छा भी लगता है। ये नहीं कि जो नहीं पढ़ रहा है सिर्फ ऐसे उठे और ये मैसेज कर दिए, नहीं समझ आ रहा है, वो नहीं समझ, आप थोड़ा मेहनत करोगे तो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी, क्योंकि फैसिलिटेट करना काम होता है एक टीचर का। तो आप अगर अगर आप मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगी, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो प्रिपरेशन अच्छे से करो, और प्रीवियस ईयर का जो होते हैं ना मॉक टेस्ट देते हैं बच्चे, तो मॉक टेस्ट इधर उधर का मत दो, आप अपने क्वेश्चन का आंसर ढक करके ही, जो आपने क्वेश्चन लिया है तो उसके साइड में आंसर लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप ढक करके ना दिखाते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, और उसके बाद उसी का प्रैक्टिस करो, बार 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 करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय,
अगर आप अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको एमएड से रिलेटेड मटेरियल मिलेंगे। और नेट प्रिपरेशन के भी अगर आप चाहें, अभी तो आप एमएड कर रहे हो, अभी जो भी देख रहे हैं वो एमएड के होंगे, लेकिन अगर नेट प्रिपरेशन का कुछ मटेरियल चाहिए हो या क्वेश्चन पेपर चाहिए हो बहुत प्रीवियस ईयर का, पास्ट ईयर का, विथ ऑफिशियल आंसर की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। सो टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।